Hey viewers, I'm Tanvi. Welcome to Sterling Academy. So, आज हम लोग क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर पीपल एज रिसोर्स ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे. इस चैप्टर में हम लोग 4 टॉपिक्स कवर करेंगे. फर्स्ट दैट इज ओवरव्यू, सेकेंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वुमेन, थर्ड टॉपिक क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड द फोर्थ वन इज लास्ट बट नॉट लीस्ट अनएम्प्लॉयमेंट. सो हम लोग क्लास 9th के इस चैप्टर में इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकेंड पीपल एज रिसोर्स इसके अंदर हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे. और जैसा कि आपने पहली वीडियोस देखी हैं जिसमें हम पार्ट में ये डिस्कस करेंगे और पार्ट्स आप देखेंगे 1, 2, 3 एंड 4 राइट. तो इसके जो जो पार्ट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक सेंड कर रखे होते हैं, तो आप वहां से भी क्लिक कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. रिसोर्स, पहले हम लोग ये जानेंगे कि रिसोर्स क्या होते हैं. ठीक है, रिसोर्स ये हम लोगों को 10th में आता है या हम लोगों ने 6th, 7th में भी हमने बहुत बार ज्योग्राफी में पढ़ रखा होता है कि रिसोर्स होते क्या हैं, संसाधन जिसे हिंदी में हम बोलते हैं. रिसोर्स द मटेरियल्स, मनी एंड अदर थिंग्स दैट कैन बी यूज्ड इन टाइम ऑफ नीड, हमारी जरूरत के टाइम पर कोई भी जो हमारी जरूरत है उस टाइम पर मटेरियल है, मनी है या थिंग्स हैं, वो हमारी यूज आती हैं, हमें जरूरत है और उस टाइम पर हमारे क्या होती है चीजें यूज में आती हैं, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स राइट. हम इसको एक एग्जांपल लेकर चलते हैं. जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेकर चलूंगी, जैसे अगर हम लोग स्टडी करते हैं राइट, हम लोग स्टडी करते हैं तो हमारे को पेन, पेंसिल राइट, बुक्स, नोटबुक राइट, स्केल, इरेजर लाइक एटसेट्रा, एनीथिंग, स्टेशनरी प्रोडक्ट, एनीथिंग राइट, ये हमारी यूज आ रही है हमें स्टडी करने के लिए. इन सब जो प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है, तो ये सब चीजें हमारी कहाँ कही जाएंगी, किस चीज में कही जाएंगी, ये सब चीजें हमारी रिसोर्स को कंसीडर करेंगी, रिसोर्स की डेफिनेशन को फुलफिल करेंगी राइट. मैंने अभी आपसे बोला कि रिसोर्स, ठीक, मेरी जरूरत के टाइम पर, मेरी स्टडी के टाइम पर ये सारी चीजें मुझे अगर अवेलेबल हैं तो ये सब चीजें मेरे लिए रिसोर्स हैं. बट हमारा चैप्टर क्या बोलता है, चैप्टर का नेम है पीपल एज रिसोर्स राइट, पीपल एज रिसोर्स. मैंने अभी आपको रिसोर्स का मीनिंग बताया है, अब हम चलेंगे पीपल रिसोर्स को, पीपल को रिसोर्स के तौर पर आप कैसे लेते हैं, पीपल एज रिसोर्स राइट. तो एक पॉइंट क्लिक होता है माइंड में कि जो ह्यूमन है उसको हम रिसोर्स के तौर पर किस तरीके से लेंगे. तो यही चैप्टर जो है ये इसी पर बेस्ड है. किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए अगर हमें ह्यूमन की रिक्वायरमेंट है, कोई हमारा वर्क चल रहा था उसके अंदर हमें अगर ह्यूमन की रिक्वायरमेंट है, तो वहां उस सिचुएशन में जो ह्यूमन है वो हमारा एक नॉर्मल नॉर्मल रिसोर्स नहीं कहा जाएगा, नॉर्मल पर्सन नहीं कहा जाएगा राइट. उस टाइम पर जो हमारा ह्यूमन है वो हमारा एज अ रिसोर्स है. दैट मीन्स ये मेरी बात यहां कंप्लीट हो जाती है कि मेरे जरूरत के टाइम पर अगर मेरा ह्यूमन मेरी नीड्स को फुलफिल कर रहा है, मेरा ह्यूमन मेरे काम को कंप्लीट कर रहा है, तो वहां मेरा ह्यूमन रिसोर्स बोला जाएगा. दैट मीन्स पीपल एज रिसोर्स, ह्यूमन जो है एक रिसोर्स के तौर पर बोला जाएगा. ठीक है, इस पे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर चलती हूँ. आप लोग भी बार बार बोलेंगे कि मैं इतने एग्जाम्पल्स लेती हूँ, इतने एग्जाम्पल को कंसिडर करती हूँ. ठीक है, बट जो एग्जाम हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हम लोग बुक्स को कंसीडर करेंगे तो बहुत ज्यादा बुकिश नॉलेज
लाइक हम बिल्कुल लकीर के फकीर ना बन के हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, हम इसको क्रैमिंग नहीं करेंगे, क्रैमिंग सिस्टम नहीं रखेंगे हम लोग, इसको एक अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा अच्छा होना चाहिए और वो हमेशा आप किसी ना किसी तरीके से याद रख सकते हैं, राइट right? आप कोई ट्रिक यूज कर सकते हैं। मैं इसको सब लोग ट्रिक से उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है कि ट्रिक हमने इसके लिए, बट ट्रिक्स भी कितनी सारी, बट हम लोग अगर अपने जनरल लाइफ से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं उनको माइंड में रखेंगे तो अपने टॉपिक के साथ उसको मर्ज करेंगे तो हमारा जो टॉपिक है वो ऑल क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा, हम भूल ही नहीं सकते उस चीज को। सो मैं इसको एक एग्जाम्पल से कैसे लेके चलूंगी पीपल एज रिसोर्स को, मैं इसमें सपोज जो मेरा पुराना एग्जाम्पल था मैं उसको साथ में मर्ज करती हूँ, उसमें थोड़ी सी चेंजेस करते हैं हम लोग। जैसे अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं और हमें बुक्स, नोटबुक, राइट, पेंसिल, पेन, इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट है, ये हमारी नीड्स को फुलफिल कर रही है तो ये तो रिसोर्स हो गया। बट अगर कोई टीचर भी हमें प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट, अच्छी एजुकेशन के लिए टीचर प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो एक ह्यूमन है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ह्यूमन रिसोर्स कहेंगे। सो आई थिंक एवरीवन इज क्लियर टू यू पीपल एज रिसोर्स, आई मीन रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। रिसोर्स का मीनिंग भी आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है, संसाधन, और ह्यूमन रिसोर्स मानवीय संसाधन जिसे हम हिंदी में ये बोलेंगे। तो दोनों तरीके से मैंने दोनों बातें क्लियर की, जिसमें मैंने आपको विद एग्जाम्पल कंसीडर किया रिसोर्स क्या होता है और ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल की। अभी तक हमने रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स रीड किया था, बट अब हम बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल की। जैसे एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, जो हम स्टडी करते टाइम बुक्स को कंसीडर करते हैं, वो बुक्स हमारे लिए, जो हमारी बुक्स हैं, राइट, ये बुक्स हमारे लिए तभी यूजफुल हैं, ये बुक्स हमारे लिए तभी यूजफुल हैं जब इसके अंदर राइट इंफॉर्मेशन है, राइट, राइट इंफॉर्मेशन है। अगर ये बुक्स के अंदर राइट इंफॉर्मेशन होगी नहीं तो ये बुक्स हमारे किसी काम की नहीं है। इसी तरीके से जो हमारे टीचर्स हैं, राइट, वो हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं। अब जो टीचर्स हैं उनके पास, अगर ये टीचर्स हैं इनके पास ट्रेनिंग है, एक्सपीरियंस है, राइट, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस इनके पास, ट्रेनिंग है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, स्किल्स है, नॉलेज है, तो ये टीचर्स हमारे ह्यूमन रिसोर्स ना रहकर ये हमारे ह्यूमन कैपिटल बन जाते हैं, राइट, ह्यूमन कैपिटल कहे जाएंगे। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो सभी के सभी, इससे हमें ये पता चलता है कि जो ऑल ह्यूमन रिसोर्स हैं वो हमारे ह्यूमन कैपिटल नहीं हो सकते। ऑल ह्यूमन रिसोर्स हमारे ह्यूमन कैपिटल नहीं हो सकते, राइट, ह्यूमन कैपिटल नहीं हो सकते जो हमारे ऑल ह्यूमन रिसोर्स। हमें कौन सी तीन चीजें चाहिए जो हमारे कंसीडर करें ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में, राइट, हमें ह्यूमन रिसोर्स, जो हमारे सारे ह्यूमन रिसोर्स हैं ह्यूमन कैपिटल नहीं हो सकते, ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है। हमें तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है। थ्री थिंग्स हमारी कौन सी हैं? ये थ्री थिंग्स हमारी, फर्स्ट स्किल्स एजुकेशन, राइट, और ट्रेनिंग। स्किल्स, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये हमारी तीनों चीजें जब तक नहीं है तब तक हमारे ह्यूमन कैपिटल, आई मीन हमारा ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन कैपिटल नहीं हो सकता।
मैं इस पे आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू. सपोज कोई भी टीचर है, कोई भी एम्प्लॉय है, जिसके पास नॉलेज नहीं है, जिसके पास एजुकेशन नहीं है, जिसके पास स्किल्स नहीं है और जिसके पास ट्रेनिंग नहीं है, ठीक है. हर कोई हर एक चीज जो टीच करने में एबल नहीं होता, या हर एक इंसान हर एक काम करने में एबल नहीं होता, एफिशिएंट नहीं होता, जब तक उसे ट्रेनिंग ना मिले, राइट. उसके अंदर स्किल्स ना हो, राइट. एजुकेशन तो ठीक है कि सब ले ही लेते हैं, बट जब तक आपके पास ट्रेनिंग नहीं है, जब तक आपके पास स्किल्स नहीं है, तब तक आप ये तीनों चीजें आपके पास नहीं है, तब तक ह्यूमन कैपिटल को ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल नहीं कहा जा सकता, राइट. एक ह्यूमन हमारी नीड्स को फुलफिल कर रहा है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स, बट उसके अंदर ये तीनों चीजें अगर हैं तो ये हमारा ह्यूमन कैपिटल कहा जाएगा. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है इस चैप्टर में, रिसोर्स पढ़ा था, ह्यूमन रिसोर्स पढ़ा था, एंड देन ह्यूमन कैपिटल, राइट. सो इन दिस चैप्टर एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर इकोनॉमी रदर देन अ लाइबिलिटी. इस चैप्टर में हम पॉपुलेशन को एज एन एसेट यूज करेंगे, एज एन एसेट समझेंगे, लाइबिलिटी नहीं समझेंगे. दे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. हम चैप्टर के अंदर जो पीपल एज अ सोर्स है, इसे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ेंगे, और इतना ज्यादा इम्पॉर्टेंट चीज है इसमें कि हम लोग अपनी इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसको बहुत ज्यादा बर्डन समझते हैं, एक लाइबिलिटी समझते हैं, राइट. तो ये पॉइंट हमारा बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो हमारे लिए एक एसेट के तौर पे है, लाइबिलिटी हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे. सेकेंड पॉइंट, पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल वेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर. यस, अगर हम अपनी पॉपुलेशन, हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक सही तरीके की इन्वेस्टमेंट, तो वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो सकती है. और किस तरीके की इन्वेस्टमेंट, पैसों की इन्वेस्टमेंट नहीं, मैं आपसे बोल रही हूँ कि एजुकेशन की, ट्रेनिंग की और मेडिकल केयर की फैसिलिटीज अगर हम अपनी प्रोवाइड करते हैं, तो जो हमारे पॉपुलेशन है वो हमारी ह्यूमन कैपिटल बन सकती है, राइट. उसी तरीके से ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड प्रोडक्टिव नॉलेज. जो ह्यूमन कैपिटल होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट. सो ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड प्रोडक्टिव नॉलेज. जो हमारी ह्यूमन कैपिटल होती है वो स्किल्स के साथ भरी हुई होती है, और उसमें नॉलेज की अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे ह्यूमन रिसोर्स, हमारी ह्यूमन कैपिटल बन जाती है. दैट मीन्स मेरी मोटी मोटी बात क्या है, मेरी एक पूरी बात क्या है, इसका निचोड़ क्या है, कि जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो हमारे ह्यूमंस हैं, उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, उनको एजुकेशन की जरूरत है, उनको मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत है, और उसके बाद वो लोग एक हमारे ह्यूमन कैपिटल के तौर पे कंसीडर किए जाते हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्शन कर सकते हैं, राइट. बहुत सारे जो डेवलपमेंट है वो कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल के बिना डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, राइट. ये सारी चीजें हमें चाहिए होती हैं, बट अगर पर्सन के अंदर नॉलेज है, स्किल्स हैं, राइट, तो उसे तो वो ही डेवलपमेंट कर सकता है. अदरवाइज जिस पर्सन के पास नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, जिसके पास जो एबल ही नहीं है, राइट, तो वो पर्सन हमारा डेवलपमेंट नहीं कर सकता. हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है, वो ग्रोथ नहीं कर सकती. चाहे लोग कम हैं या चाहे लोग ज्यादा हैं, बट उनके अंदर स्किल्स होने चाहिए, वो एजुकेटेड होने चाहिए. तो मेन जो जोर दिया गया है वो एजुकेशन को, ट्रेनिंग को लेकर दिया गया है. इसके आगे चलते हैं, आगे देखते हैं.
people as a source is a way of referring to a country's working people in the term of their existing productive skills and abilities. People as a source हमें किस वे में कंसीडर करते हैं, किसी कंट्री के कितने लोग काम कर रहे हैं और उनकी जो प्रोडक्शन है वो कितनी है, उनकी स्किल्स उनकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग वहां की प्रोडक्शन जो है वो कितनी हो रही है. नेक्स्ट पॉइंट, द पॉजिटिव साइड ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन दैट इज ऑफन ओवरलुक्ड व्हेन वी लुक ओनली एट द नेगेटिव साइड. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा होती है हम उसे नेगेटिव समझते हैं, उस चीज को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, हम उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट को भूल जाते हैं. पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे, पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारा किस तरीके से आएगा. फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है राइट और हम लोग क्या करते हैं, इस पॉपुलेशन को नेगेटिव फोकस करते हैं. हम ये सोचना भूल जाते हैं कि जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है ये हमारी ह्यूमन कैपिटल बन सकती है, ये हमारी ह्यूमन रिसोर्स तो है ही है राइट. तो ह्यूमन रिसोर्स इंडिया के पास उतने ही ज्यादा हैं जितनी उसकी पॉपुलेशन है, तो ये बात हमारी इसमें कंसीडर होती. सो व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स इज फर्दर डेवलप्ड बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन दैट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन राइट. और हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल. अगर हम ह्यूमन कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं किस चीज की, एजुकेशन ट्रेनिंग मेडिकल केयर, तो हमें रिटर्न में एक इन्वेस्टमेंट हमें किस चीज की मिलती है, फिजिकल कैपिटल की राइट. तो ये पॉइंट्स हमारे कंसीडर होते हैं जो मैंने सबसे पहले ओरली बताए थे. इसी तरीके से अगर हम इंडिया के बारे में जाने, इंडिया के पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उसको हम नेगेटिव ना समझकर ये हमारे लिए ह्यूमन कैपिटल क्या हो सकती है, हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है. अगर हमारी ह्यूमन कैपिटल भी ज्यादा है, ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा है, बट ह्यूमन कैपिटल में हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, एजुकेशन स्किल्स और ट्रेनिंग के थ्रू. इस तरीके से इंडिया के पास जो हमारे ह्यूमन कैपिटल है वो भी बढ़ जाएगी, तो ये हमारे लिए सभी के लिए ये एक बेनिफिशियल है, तो हमें ये पॉजिटिवली देखना चाहिए. अब आगे हम चलते हैं स्टोरी पर, स्टोरी ऑफ सकल राइट. सकल और विलास की स्टोरी लेकर चलते हैं. सो इन दिस चैप्टर एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर इकोनॉमी रदर देन अ लायबिलिटी. इस चैप्टर में हम पॉपुलेशन को एज एन एसेट यूज करेंगे, एज एन एसेट समझेंगे, लायबिलिटी नहीं समझेंगे. दे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. हम चैप्टर के अंदर जो पीपल एज अ सोर्स है इसे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ेंगे और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि हम लोग अपनी इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसको बहुत ज्यादा बर्डन समझते हैं, एक लायबिलिटी समझते हैं राइट. तो ये पॉइंट हमारा बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो हमारे लिए एक एसेट के तौर पे है, लायबिलिटी हम इसको नहीं कंसीडर करेंगे. सेकंड पॉइंट, पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर. यस, अगर हम अपनी पॉपुलेशन, हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं एक सही तरीके की इन्वेस्टमेंट, तो वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो सकती है. और किस तरीके की इन्वेस्टमेंट, पैसों की इन्वेस्टमेंट नहीं, मैं आपसे बोल रही हूं कि एजुकेशन की ट्रेनिंग की और मेडिकल केयर की फैसिलिटीज अगर हम अपनी प्रोवाइड करते हैं तो जो हमारे पॉपुलेशन है वो हमारी ह्यूमन कैपिटल बन सकती है राइट. उसी तरीके से ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड प्रोडक्टिव नॉलेज. जो ह्यूमन कैपिटल होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है राइट. सो ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड प्रोडक्टिव नॉलेज.
जो हमारी ह्यूमन कैपिटल होती है वो स्किल्स के साथ भरी हुई होती है और उसमें नॉलेज की अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे ह्यूमन रिसोर्स, हमारी ह्यूमन कैपिटल बन जाती है। दैट मीन्स मेरी मोटी मोटी बात क्या है, मेरी एक पूरी बात क्या है, इसका निचोड़ क्या है कि जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो हमारे ह्यूमंस हैं, उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, उनको एजुकेशन की जरूरत है, उनको मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत है और उसके बाद वो लोग एक हमारे ह्यूमन कैपिटल के तौर पे कंसीडर किए जाते हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्शन कर सकते हैं, राइट, बहुत सारे जो डेवलपमेंट है वो कर सकते हैं क्योंकि ह्यूमन कैपिटल के बिना डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, राइट। ये सारी चीजें हमें चाहिए होती हैं, बट अगर पर्सन के अंदर नॉलेज है, स्किल्स हैं, राइट, तो उसे तो वो ही डेवलपमेंट कर सकता है। अदरवाइज जिस पर्सन के पास नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, जिसके पास जो एबल ही नहीं है, राइट, तो वो पर्सन हमारा डेवलपमेंट नहीं कर सकता। हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है, वो ग्रोथ नहीं कर सकती, चाहे लोग कम हैं या चाहे लोग ज्यादा हैं, बट उनके अंदर स्किल्स होने चाहिए, वो एजुकेटेड होने चाहिए। तो मेन जो जोर दिया गया है वो एजुकेशन को, ट्रेनिंग को लेकर दिया गया है। इसके आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। पीपल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल इन द टर्म ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज। पीपल एज रिसोर्स हमें किस वे में कंसीडर करते हैं, किसी कंट्री के कितने लोग काम कर रहे हैं और उनकी जो प्रोडक्शन है वो कितनी है, उनकी स्किल्स, उनकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग वहां की प्रोडक्शन जो है वो कितनी हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट, द पॉजिटिव साइड ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन दैट इज ओफन ओवरलुक्ड व्हेन वी लुक ओनली एट द नेगेटिव साइड। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा होती है हम उसे नेगेटिव समझते हैं, उस चीज को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, हम उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट को भूल जाते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे, पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारा किस तरीके से आएगा, फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, राइट, और हम लोग क्या करते हैं, इस पॉपुलेशन को नेगेटिव फोकस करते हैं, हम ये सोचना भूल जाते हैं कि जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है ये हमारी ह्यूमन कैपिटल बन सकती है, ये हमारी ह्यूमन रिसोर्स तो है ही है, राइट। तो ह्यूमन रिसोर्स इंडिया के पास उतने ही ज्यादा हैं जितनी उसकी पॉपुलेशन है, तो ये बात हमारी इसमें कंसीडर होती है। सो व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स इज फर्दर डेवलप्ड बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन दैट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। अगर हम ह्यूमन कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं किस चीज की, एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, तो हमें रिटर्न में एक इन्वेस्टमेंट हमें किस चीज की मिलती है, फिजिकल कैपिटल की, राइट। तो ये पॉइंट्स हमारे कंसीडर होते हैं जो मैंने सबसे पहले ओरली बताए थे। इसी तरीके से अगर हम इंडिया के बारे में जाने, इंडिया के पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उसको हम नेगेटिव ना समझकर ये हमारे लिए ह्यूमन कैपिटल क्या हो सकती है, हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। अगर हमारी ह्यूमन कैपिटल भी ज्यादा है, ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा है, बट ह्यूमन कैपिटल में हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, एजुकेशन, स्किल्स और ट्रेनिंग के थ्रू। इस तरीके से इंडिया के पास जो हमारे ह्यूमन कैपिटल है वो भी बढ़ जाएगी, तो ये हमारे लिए सभी के लिए ये एक बेनिफिशियल है, तो हमें ये पॉजिटिवली देखना चाहिए। सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्टोरीज लेकर चलेंगे, स्टोरी ऑफ सर्कल और स्टोरी ऑफ विलास, वो हम उस लेक्चर में कंसीडर करेंगे, राइट, वो कवर अप करेंगे।
आज अब हमने अभी तक के लेक्चर में रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल और इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट जो की जाती है इनके बीच, ये सब चीजें हमने पढ़ी। आई थिंक एवरी वन इज क्लियर टू यू। सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मेरे पार्ट्स जो है चैप्टर के वो देखते रहिएगा। मैं इसी तरीके से आपके लिए चैप्टर्स के पार्ट्स एक इजी लैंग्वेज में बिल्कुल एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग मैं लाती रहूंगी। सो थैंक यू।